हेलो एवरीवन, तो इस नए वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ सर्विसेज एंड मिक्स सप्लाई। नोटिफिकेशन आई थी 7 मार्च 2019 को, जिसमें गवर्नमेंट ने जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए अलाउ किया था, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। जो कंडीशन है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो कंडीशंस, उसमें सबसे पहले ये आता है कि जो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है वो जरूरी नहीं कि खाली सर्विस ही प्रोवाइड करता हो, अगर सप्लायर ऑफ गुड्स भी है तो भी वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। बस उसको एक बात का ध्यान रखना है कि जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹50 लाख होना चाहिए। इससे 50 लाख रुपए से आपका टर्नओवर ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो इसमें गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स की है वो 6% की है, जिसमें 3% ऑफ सीजीएसटी कंपोनेंट है और 3% ऑफ एसजीएसटी कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जो इसमें रखी गई है वो ये बताया गया कि हु इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। इसमें कुछ जो पर्सन है जिनको कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है वो इस तरह है, जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेड आउटवर्ड सप्लाई है, और पर्सन इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। अगर वो पर्सन कोई इन कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो उसको भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है हाउ टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें एक फॉर्म फाइल करना है जीएसटी कंपोजिशन 02, जिसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम लेवी, ठीक है। और ये आपको फॉर्म फाइल कर देना है बिफोर अप्रैल 30, 2019। इस डेट को प्लीज आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ओप नहीं कर सकते हैं। ये डेट नोटिफिकेशन में डाली गई है और ये डेट तक ही आप कंपोजिशन स्कीम ओप कर सकते हैं, ठीक है। और जो न्यू बिजनेस है और जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करवा रखा है वो सिंपली जीएसटी आरईजी 01 के थ्रू अपनी नई फाइल कर सकते हैं और कंपोजिशन स्कीम ओप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड आईटीसी। अगर कोई रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट हो रहा हो तो जो आईटीसी है उसका क्या होगा। उसमें ये होगा कि जो स्टॉक रेगुलर स्कीम में था और वो स्टॉक अब कंपोजिशन स्कीम में ट्रांसफर हो रहा है तो उस स्टॉक पे जितना आईटीसी था वो आपको पे करना पड़ेगा स्विच ओवर से पहले, ठीक है, वो आपको पे करना पड़ेगा। और ऐसे ही अपना कैपिटल गुड्स में होगा, कैपिटल गुड्स में अपने को क्या करना है, 5% पर क्वार्टर के कैलकुलेट करके जितना अपना आईटीसी रिमेनिंग बच जाता है उसको अपने को पे करना है बिफोर स्विच ओवर टू द कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। और अगर इसके बाद बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर कुछ होता है तो वो लैप्स हो जाएगा, मतलब क्रेडिट लेजर में आपका कोई भी आईटीसी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना इसमें आता है कि कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है जो कि जनरली पूछे जाते हैं, वो इस तरह है कि कैन, सबसे पहले है कि कैन ए कंपोजिशन डीलर कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स। नो, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक कंपोजिशन डीलर को टैक्स अपनी जेब से देना होता है, वो कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता। कैन ए कंपोजिशन डीलर अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। नो, कोई भी उनको किसी भी केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होता है कंपोजिशन डीलर के केस में। शुड ए कंपोजिशन डीलर मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड। नो, एक सबसे मेन रिलीफ जो कंपोजिशन स्कीम में होता है वो यही होता है कि उनको डिटेल रिपोर्ट्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कैन ए कंपोजिशन डीलर इशू टैक्स इनवॉइस। नो, कंपोजिशन डीलर हैज टू इशू बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम 1 ईयर एंड ऑप्ट आउट इन नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल, ये आप कर सकते हैं, आप इसको फॉर्म फाइल करके कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आप, हम इसमें यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि हमारी इसकी वजह से कुछ कॉस्ट सेव होगी तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए जाइए। हमारा तो ये व्यू है कि जैसे कि आपको इसमें तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता और ऊपर से टैक्स भी आपको अपनी जेब से ही देना पड़ता है तो आपकी कॉस्टिंग इसमें बढ़ सकती है। तो प्लीज आप जो भी डिसीजन ले वो थोड़ा सोच समझ कर ले। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।